गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी एडोबी लाइटरूम सॉफ्टवेयर का। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में कवर की इलस्ट्रेटर, 3ds Max और टूनबूम जैसे सॉफ्टवेयर्स, तो आज की जो क्लास है वो टोटली एडोबी लाइटरूम के बारे में है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सो इंट्रोडक्शन टू एडोबी लाइटरूम। डिस्कवर द पावर ऑफ एडोबी लाइटरूम, द प्रीमियर फोटो एडिटिंग एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। लर्न हाउ टू सीमलेसली ऑर्गेनाइज, एनहांस एंड शेयर योर फोटोग्राफी विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। तो अभी ये क्या है, ये एक प्रीमियर फोटो एडिटिंग टूल है, जैसे फोटोशॉप होता है उसी का अपर वर्जन है, जिसमें लाइटरूम जैसे सेटिंग सारी होती है। ओके, सो नेक्स्ट है नेविगेटिंग द लाइटरूम इंटरफेस। हम इसके इंटरफेस के बारे में अगर समझे तो इसका जो इंटरफेस है, नेविगेटिंग द लाइटरूम इंटरफेस, मॉड्यूलर डिजाइन है, कस्टमाइजेबल पैनल्स है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल जाती है जिससे आप अपने काम को और आसानी से कर सकते हो। लाइटरूम्स इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स, ईच टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक लाइब्रेरी, डेवलप एंड मैप। हर एक इसमें जितने भी पैनल्स है ना, इस स्क्रीन में इसके जो इंटरफेस में जितने भी पैनल्स है, हर एक पैनल आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ प्रोवाइड हो जाता है, जो हमें हेल्पफुल रहता है। जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, डेवलप हो गया, मैप्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें गिवन होती है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड फीचर है, दैट इज कस्टमाइजेबल पैनल्स। हमें इसमें कस्टमाइजेबल पैनल्स मिल जाती है जिससे हम रीअरेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं अलग अलग पैनल्स को, टू क्रिएट अ वर्क फ्लो दैट सूट्स योर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। एंड नंबर 3 इज मास्टर की शॉर्टकट्स। इसमें आपको काफ़ी सारी शॉर्टकट्स मिल जाती है जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो, अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हो, टू अप योर एडिटिंग प्रोसेस एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग द लाइब्रेरी मॉड्यूल। हम नेक्स्ट देखेंगे लाइब्रेरी मॉड्यूल के बारे में, कैटलॉग मैनेजमेंट। कैटलॉग मैनेजमेंट में क्या होता है, सीमलेसली इम्पोर्ट। कैटलॉग मैनेजमेंट का मतलब है आप सीमलेसली बहुत ही आसानी से इम्पोर्ट कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपनी फोटो लाइब्रेरी को यूजिंग द पावरफुल कैटलॉग सिस्टम। जो इसमें कैटलॉग सिस्टम अवेलेबल होता है उनकी हेल्प से आप ये सारे फंक्शंस को प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर 2 इज मेटा डेटा एंड कीवर्ड्स। मेटा डेटा एंड कीवर्ड्स, ये एक लेवरेज मेटा डेटा एंड कीवर्ड टैगिंग टू क्विकली फाइंड एंड फिल्टर योर इमेजेस। सो दिस इज लेवरेज मेटा डेटा एंड कीवर्ड टैगिंग टू क्विकली फाइंड एंड फिल्टर योर इमेजेस। इसमें क्या करता है, मेटा डेटा इनबिल्ट होता है जिससे आप अपने कीवर्ड्स को टैग कर सकते हो और क्विकली फाइंड और फिल्टर कर सकते हो अपनी इमेजेस को। एंड नंबर 3 इज कलेक्शन एंड स्मार्ट कलेक्शंस। कुछ इसमें कलेक्शंस गिवन है, कुछ इसमें स्मार्ट कलेक्शंस गिवन है। क्रिएट कस्टम कलेक्शंस एंड स्मार्ट कलेक्शंस टू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज योर फोटोज इन इनोवेटिव वे। आप कुछ कस्टमाइज क्रिएशंस कनेक्ट कर सकते हो और आप कुछ स्मार्ट कलेक्शंस होती है उनको भी यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स गिवन होते हैं और कुछ टेम्पलेट्स हम बना भी सकते हैं, तो सेम वही वाला टॉपिक, वही वाला कंसेप्ट इसमें भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग द डेवलप मॉड्यूल। एक्सप्लोरिंग द डेवलप मॉड्यूल, तो इसमें हमें एक टूल मिल जाता है क्रॉपिंग के नाम से, एक टूल मिल जाता है एक्सपोजर के नाम से, एक मिल जाता है कलर एडजस्टमेंट और एक मिल जाता है डिटेल एनहांसमेंट। चारों के बारे में थोड़ा सा डीपली समझेंगे। किसी भी इमेजेस में आप ये वाले टूल्स को इम्प्लीमेंट करके उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा, यूनिक और इम्प्रेसिव बना सकते हो। नंबर 1 इज क्रॉपिंग। प्रिसाइजली एडजस्ट द कंपोजिशन ऑफ योर इमेजेस यूजिंग द पावरफुल क्रॉपिंग टूल। आप अपने इमेज का कंपोजिशन सेट कर सकते हो इस क्रॉपिंग टूल की हेल्प से। नेक्स्ट इज एक्सपोजर। फाइन ट्यून एंड एक्सपोजर ऑफ योर फोटोज टू अचीव द परफेक्ट बैलेंस ऑफ हाइलाइट्स एंड शेडोज। आप एक्सपोजर एनहांस कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। किस चीज़ का एक्सपोजर, एक्सपोजर होता है हाइलाइट्स एंड शेडोज। तो जो आपकी इमेज है उसमें जो हाइलाइट्स है, शेडोज है, उनको हटा सकते हो, उनको इंक्रीज भी कर सकते हो। एंड नंबर 3rd इज कलर एडजस्टमेंट। एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ कलर एडजस्टमेंट टूल्स टू एनहांस द वाइब्रेंसी एंड मूड ऑफ योर इमेजेस। एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ कलर एडजस्टमेंट्स, आपको यहाँ पर एक वाइड रेंज मिल जाती है कलर एडजस्टमेंट्स की, जिसमें काफ़ी सारे कलर एडजस्टमेंट के टूल्स होते हैं और अपने इमेजेस के अकॉर्डिंगली वाइब्रेंसी और मूड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एंड नंबर 4 इज डिटेल एनहांसमेंट। आप शार्प कर सकते हो, नॉइस रिड्यूस कर सकते हो अपनी फोटोज में, फाइनेस्ट क्वालिटी, फाइनेस्ट उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द एक्सप्लोरिंग डेवलप मॉड्यूल। नेक्स्ट वी हैव मास्टरिंग द एडजस्टमेंट टूल। अब थोड़े एडजस्टमेंट टूल्स के बारे में देखेंगे।
तो नंबर वन इज टारगेटेड एडजस्टमेंट, देन ब्लेंड मोड्स मिल जाते हैं, हिस्टोग्राम्स एंड क्लिपिंग इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, किसमें, लाइट रूम में. ओके, सो यूज द एडजस्टमेंट ब्रश एंड ग्रेजुएटेड फिल्टर्स टू मेक सेलेक्टिव चेंजेस टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर इमेज. अपनी इमेज के एक स्पेसिफिक एरिया में आप कुछ ऐसे टूल्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट ब्रश हो गया, कुछ रेडियल फिल्टर्स हो गए, तो इससे जो आपकी इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट लगती है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है. नेक्स्ट इज ब्लेंड मोड. ब्लेंड मोड से क्या होता है, आप सीमलेसली ब्लेंडिंग कर सकते हो एडजस्टमेंट्स को, यूनिक विजुअल इफेक्ट्स, अपनी इमेजेस में यूनिक विजुअल इफेक्ट्स अप्लाई करके उसको सीमलेसली ब्लेंडिंग कर सकते हैं. देन हिस्टोग्राम एंड क्लिपिंग इंडिकेटर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो यूटिलाइज द हिस्टोग्राम एंड क्लिपिंग इंडिकेटर्स टू मॉनिटर एंड फाइन ट्यून योर इमेजेस टोन एंड डायनेमिक रेंज. आपके पास यहाँ पर हिस्टोग्राम्स मिल जाता है, क्लिपिंग मास टूल मिल जाता है, जिससे आप किसी भी, जस्ट लाइक अ स्टेंसिल, एक स्टेंसिल की तरह काम करता है, इसके अंदर अगर आपको लगानी है इमेज, देन यू कैन यूज क्लिपिंग मास इंडिकेटर. नेक्स्ट वी हैव स्लाइड नंबर 6 इन विच देयर इज यूटिलाइजिंग द प्रीसेट ऑप्शंस. नाउ वी आर यूटिलाइज द प्रीसेट ऑप्शंस. सो देयर इज बिल्ट इन प्रीसेट्स. कुछ प्रीसेट्स तो होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, पहले से ही दिए होते हैं, कुछ होते हैं कस्टम, और कुछ हम प्रीसेट को, जो भी प्रीसेट्स हैं उनको मैनेज करके बनाते हैं. एक्सप्लोर द एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ प्रीबिल्ट प्रीसेट्स टू क्विकली अप्लाई प्रोफेशनल ग्रेड एडिट्स टू योर इमेज. कुछ प्रीसेट्स गिवन होते हैं जो हम, जो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं और हम अपनी इमेजेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कस्टम प्रीसेट्स में क्या होता है, क्रिएट एंड सेव योर ओन कस्टम प्रीसेट. इसमें क्या होता है, हमें प्रीसेट खुद से बनाना होता है, और देन वी कैन सेव इट टू स्ट्रीमलाइन योर एडिटिंग वर्क फ्लो एंड मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्टाइल, ताकि हम उसको, उस प्रीसेट को सेव कर सके और अपने वर्क फ्लो में एक कंसिस्टेंसी ला सके. जैसे एक इमेज है, उस पर आपने कुछ ऐसे इफेक्ट्स वगैरह लगा के उसको एडिट किया, नाउ यू कैन सेव दैट प्रीसेट इन योर लाइब्रेरी, देन यू कैन अप्लाई द सेम इफेक्ट्स ऑन द अनदर इमेज ऑल्सो, सो वी, सो इट विल लुक लाइक अ कंसिस्टेंट इमेज. ओके, एंड देन लास्ट, प्रीसेट मैनेजर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर प्रीसेट इफेक्टिवली टू फाइंड द राइट वंस फॉर योर नीड्स. आप अपने जो भी प्रीसेट्स बनाए उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो इफेक्टिवली, ताकि आपको एक राइट, जो भी एक पर्टिकुलर इमेज पे जो एक पर्टिकुलरली जो उसमें फिट बैठ रहा है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकें. नेक्स्ट, एनहांसिंग इमेजेस विद एडवांस टेक्निक्स. अब हमारा ये लाइटरूम का सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप से एडवांस वर्जन है, तो यहाँ पर हमें कुछ एडवांस टेक्निक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे लेयर्स एंड मास्किंग, लेवरेज लेयर्स एंड मास्किंग टू मेक कॉम्प्लेक्स नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिट्स टू योर इमेजेस. कॉम्प्लेक्स एडिटिंग कर सकते हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कर सकते हैं लाइटरूम में. कंपोजिट एडिटिंग होती है, जैसे प्रीमियर प्रो में होती है ना, जैसे प्रीमियर प्रो में क्या करना होता है हमें, प्रीमियर प्रो में, या फिर हम बात करें आफ्टर इफेक्ट की, तो इन सॉफ्टवेयर्स में हमें कंपोजिशन बनाना पड़ता है, तो सिमिलरली आप लाइटरूम में भी कंपोजिशन के साथ मल्टीपल इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो, यूनिकली विजुअली स्टनिंग कंपोजिट्स बना सकते हैं. एंड देन कैमरा कैलिब्रेशन भी होता है, फाइन ट्यून योर कैमरा कलर प्रोफाइल टू अचीव एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट कलर इंडिकेशन. तो अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं करियर एक ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब में, एक वेब डिज़ाइनिंग की जॉब में, सो यू शुड मस्ट नो लाइटरूम, बिकॉज इट विल ऐड मोर स्किल्स टू योर प्रोफेशन. अब कुछ बात करते हैं एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स की. एक्सपोर्ट फॉर्मेट, हमेशा जब आप एक्सपोर्ट करें तो 1080 पिक्सल्स पर एक्सपोर्ट करें, या फिर और भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे JPEG होता है, TIFF होता है, PSD फॉर्मेट होता है, ताकि आप अपनी इमेज को शेयर करें तो वो उसी फॉर्मेट में शेयर हो. एक्सपोर्ट की जो क्वालिटी होती है 100% HD होती है, 100% HD होती है. एडजस्ट द एक्सपोर्ट क्वालिटी टू योर बैलेंस, योर फाइल इमेज साइज एंड इमेज फिडेलिटी बेस्ड ऑन योर नीड्स. सोशल शेयरिंग ऑप्शन से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी फोटोज़ को पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. आपने यहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी रखी और डायरेक्टली आप चाहते हो जो फोटो आपने ऐड की नहीं, यू वॉन्ट टू अपलोड दैट फोटो ऑन एनी सोशल मीडिया ऐप, देन यू कैन यूज Adobe Lightroom एज एन सोशल ऑप्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट Lightroom. सो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.